बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 10 में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। बच्चों, ये जो आज का सवाल है, ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है और इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर जो है फिर हम एक हफ्ते ब्रेक लेने के बाद अपलोड करेंगे। आपकी आदाब आकार होगी कौन सा चैप्टर अपलोड किया जाए, जो आपको अपनी पसंद का जो चैप्टर जहां आपको मुश्किल है वो अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता दें या हमारे फेसबुक पे कॉन्टेक्ट कर लें तो हम उस चैप्टर को अपलोड कर देंगे। अच्छा बच्चों, सवाल को पिछली वीडियो में हमने सवाल को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। एक्स इज इक्वल टू 2√3, फाइंड एक्स फोर प्लस 1/x4। तो आपने क्या करना होगा, एक्स जो है आपको दिया हो, अब आपने 1/x फाइंड करने, 1/x फाइंड करके एक्स और 1/x को आपस में आपने प्लस करके x प्लस 1/x आ जाए तो फिर आपने उसकी स्क्वेयरिंग करनी है। स्क्वेयरिंग से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x2, उसकी अगेन स्क्वेयरिंग करनी है आपको, x और प्लस 1/x2 आ जाएगा। सॉल्व करके बता देता हूँ बच्चों, कोई मसला नहीं, पिछली वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। सोल्यूशन में आ जाए, सोल्यूशन में क्या कह रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 √3। ठीक है बच्चों, तो 1/x क्या होगा, 1/x इज इक्वल टू 1/2 √3। अब जो डिनोमिनेटर है इसके अपने रेशनलाइजेशन करनी, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाय टू प्लस रूट थ्री। सही है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/2 √3 मल्टीप्लाई 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 √3। वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बच्चों आपके पास बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1 √3 डिवाइडेड बाय 2 √3 और 2 √3। अब बच्चों ये चीज आ गई है आपके पास, दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यूज सेम है, एक पे माइनस है एक पे प्लस है, तो आप फार्मूला ओपन करोगे यूजिंग फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास 1/x इज इक्वल टू 2 √3 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/x इज इक्वल टू 2 √3 और डिवाइडेड बाय 4 − 3। 1/x इज इक्वल टू 2 √3 डिवाइडेड बाय 1 1/x इज इक्वल टू 2 √3। बच्चों एक्स भी आ गया, 1/x भी आ गया। अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को प्लस करते हो या आप इन दोनों को माइनस करते हो, आप एक्स स्क्वायर 1/x2 की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो हम जो है इनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। हम ले लेते हैं एक्स प्लस एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स के बराबर है 2 − √3 प्लस 1/x के बराबर है 1/x बराबर है 2 √3। तो अब इसको ओपन कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 − √3 प्लस 2 + √3। ये प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी स्क्वेयरिंग लेनी है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ये हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको यहां पे ओपन कर लेते हैं,
तो ये अब आपके पास इधर आ जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर की जगह आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लिखोगे वन बाय एक्स प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी इज इक्वल टू फोर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर 16। प्लस टू को वहां शिफ्ट करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस टू, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। आपको एक्स स्क्वायर नहीं मांग रहे, सवाल में एक्स और मांग रहा है, तो ये छोटा सा स्टेप आप और करोगे, अगेन स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सवाल थोड़ा लेंथी हो गया, इसीलिए अलग वीडियो में डाला है कि आपको थोड़ा फायदा हो जाए। अगेन स्क्वायरिंग करो बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास फार्मूला, फार्मूले के हिसाब से हम खोलते हैं, तो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहां बच्चों ए स्क्वायर है वहां आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर जो है ये सिर्फ ए है, ए के ऊपर भी एक स्क्वायर है, ये सारा जो एक्स जो है हमारे पास, ये एक्स जो है सारा हमारे पास ये ए है। ठीक है बच्चों, तो अब फिर यहां हमारे पास आ जाएगा फिर ए स्क्वायर के बाद प्लस बी स्क्वायर वन बाय एक्स एक स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, एक स्क्वायर इधर भी आ जाएगा प्लस टू ए की जगह एक्स स्क्वायर बी की जगह वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 14 से यह आपके पास आएगा बच्चों 196। ठीक है बच्चों, और अब ये अब आपके पास हो गया 196 हो गया, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये इसको कैंसिल कर देगा, ये आपके एक्स टू टू था फोर प्लस वन बाय एक्स फोर प्लस टू इज इक्वल टू 196। प्लस टू को वहां शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर इज इक्वल टू 196 माइनस टू, या ये आपके पास आ जाएगा एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर इज इक्वल टू 194। तो ये आपका आंसर। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा एक्सरसाइज 4.7 अपने अख्ताम को पहुंचा और चैप्टर 4 भी मुकम्मल हो गया। तो बच्चों हमारा टारगेट है कि मार्च में बोर्ड एग्जाम है, तो उससे पहले पहले हम तकरीबन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 6-7 चैप्टर जो है कोशिश करेंगे, पूरा कोर्स जो पूरा कोर्स नहीं हो सकेगा तो 6-7 चैप्टर तो बोर्ड एग्जाम तक आपके हो जाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें, डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, 20 मिनट 30 मिनट 15 मिनट का लेक्चर होगा रोजाना, आप देखते रहें प्रैक्टिस करते रहें, और जो है आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट अभी हम डिसाइड करेंगे कौन सा चैप्टर इसके बाद अपलोड करें, आप अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस वीक तो नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह 5-6 दिसंबर से दोबारा हम जो है डेली बेसिस पे अगले किसी और चैप्टर 9 क्लास के किसी और चैप्टर के लेक्चर जो है अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दें बच्चों, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ 5 सब्सक्राइबर मिले हैं पूरे चैप्टर में, तो जल्दी जल्दी जिन्होंने सब्सक्राइब किए हुए वो वीडियो को शेयर करें, जिन्होंने नहीं किया वो भी आके सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।